अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया का बिगाड़ ये है कि नेट का ज़माना और तरक्की का ज़माना है। हर मज़हब ने जुए को हराम करार दिया है और अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हें जुए और शराब के बदले तबाह बर्बाद कर दे। आज दुनिया में लीडो हो, क्रिकेट हो, आईपीएल हो, हॉकी हो, दुनिया का कोई सा भी गेम हो, कोई सा भी खेल हो, सब में जुआ आम हो गया है और आदमी 80% लोग जुआ की तरफ मुतवज्जह हैं और बड़े शौक़ के साथ नेट पर जुआ खेल रहे हैं। ये एक तबाही का सबब है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना और उसका कहना ना मानना, ये दुनिया पर एक जवाल है। इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए इस बुराई से हिफाजत करे कि आने वाला वक्त इससे बुरा होगा। जब तुम्हारी ज़िंदगी में जो आम हो जाएगा और तुम लोग हराम कारी की तरफ बढ़ जाओगे तो इंसान गुनाह के दलदल की शुरुआत में पहुंच गया। आज तमाम दुनिया का जहन यही बन गया है कि खेलो और खेलो और ऐसा खेलो कि तुम बेहतरीन जुआरी बन जाओ। और हर आदमी जुए की लत में है। पहले वालिदैन की नसीहत थी कि जुए से बचो, लेकिन आज पूरी कौम के साथ साथ पूरी दुनिया इसमें मुवल्लिस है। दुआ करो अल्लाह खैर का मामला बनवाए और तमाम हुकूमतों और हुक्मरानों को ये अक़ल दे कि वही जुए पर पाबंदी लगाए जो घर में बैठे बच्चे बच्चे की समझ में आ रहा है, और एक दिन ये एक नया अंदाज ले लेगा और उस अंदाज में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ ना होगा।